सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर वी ट्रेड क्रिप्टो चैनल। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। या हम डेली बेसिस पे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे यहाँ चार्ट एनालिसिस होता है, मंथली एनालिसिस होता है और वीकली एनालिसिस होता है, और यहाँ पे सीधा हम पोस्ट करते हैं चार्ट्स को। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो हेलो गाइज, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ हम कवर अप कर लेते हैं, ओके। तो जो हमारी सबसे बड़ी जो पहले न्यूज़ निकल के आती है वो फाइनेंस इन बोल्ड वेबसाइट के नाम से निकल के आती है। तो पहली न्यूज़ को हम रीड कर लेते हैं। द शिबा एड्स ओवर 40,000 न्यू होल्डर्स इन 3 मंथ एज नंबर ऑफ एड्रेस ब्रेक पास्ट 1.2 मिलियंस। सो गाइज, बेसिकली जो शिबा इनू होल्डर्स हैं, उन्होंने जितने भी बेसिकली पहले करंट होल्डर्स थे शिबा इनू के, तो उनमें हमें 40,000 ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है न्यू होल्डर्स में, ओके। तो इंक्रीजमेंट दिखा है हमें 40,000 का, ठीक है। तो इसके अंदर यार मे भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें और देखने को मिल सकती है इसके होल्डर्स में। और अराउंड 1.2 मिलियन के जो इसके होल्डर थे उसको भी इसने ब्रेक करा है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि 3 मंथ्स के अंदर 40,000 होल्डर्स जुड़ गए हैं, ओके। तो इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं डीपली। मतलब जितनी भी शिबा इनू की पॉपुलैरिटी है और मीम क्रिप्टो करेंसी है, आप जानते हो, और हमेशा जब भी कोई मीम रैली निकल के आती है तो मार्केट में हमें बेसिकली 1 से 2000% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो बेसिकली यार, अगर आपने पिछला अगर कभी ट्रैक करा होगा पास्ट डेटा किसी भी मीम कॉइन का, और तुमने उसको जब से वो लॉन्च हुआ है और तब तक अभी से जितना उसका करंट प्राइस चल रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देते हैं मीम्स कॉइन भी, ओके। तो मे बी यार, जितने भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो जितने भी पब्लिक होती है, तो उनको मीम्स कॉइन वगैरह भी बहुत पसंद है, ओके। क्योंकि यार जो इनकी ग्रोथ होती है ना, वो बहुत अच्छी खासी होती है, ओके। तो इन्वेस्टर्स वगैरह और ट्रेडर वगैरह को खुश कर देती है, ओके। तो बेसिक फंडा तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यार इसमें वो बताया गया है कि जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है शिबा इनू, वो बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं फेवरेट करेंसी हो गई है लोगों की। तो इसमें क्या कहते हैं बताया गया है, they appear to fade in recent months aligning with the extend depressed market। so basically यार जानते हो, जब से मार्केट में हमारी 2022 से हमें बियर रन ही देखने को मिल रहा है बेसिकली मार्केट के अंदर, यानी कि सब लोग डिप्रेस्ड है, क्योंकि यार सब ने हाई अमाउंट में, यानी कि जब मार्केट बुलिश थी तब अच्छी खासी बाइंग वगैरह करी थी, बट अब वो ये देख रहे हैं कि यार वो डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि जितना भी इन्होंने बाइंग वगैरह करा था, मार्केट आप जानते हैं 2022 से ही गिरती जा रही है। तो बेसिकली यार यही थोड़ा डिप्रेस्ड वाली बात हुई थी, लेकिन जो अब लेटेस्ट डाटा दिखा रहा है वो इन्वेस्टर्स का, वो ये बता रहा है कि कुछ नए माइलस्टोन भी हमारे हिट हो रहे हैं बेसिकली। जितने भी इन्वेस्टर और ट्रेडर है, बेसिकली ज़्यादा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है बेसिकली, यानी मतलब फंड्स डिप्लॉय हो रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, यानी कि सब डिमांड आ रही है कि शिबा इनूस को खरीदा जाए। तो ऐसे के लिए जो सितंबर 2012 है उसमें इन्होंने डेटा इंट्रोड्यूस करा, और इसमें पता लगा कि जो हमारे मतलब होल्डर्स थे शिबा इनू, वो अराउंड 1.2 मिलियंस के करीब थे, ओके। तो 3 मंथ्स के पहले, लेकिन जब 3 मंथ्स के बाद का जब डेटा निकल के आया, तो हमने उसके अंदर देखा कि यार शिबा इनू के होल्डर्स तो और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, टोटल एड्रेसेस भी में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। बेसिकली आप ये चार्ट देख सकते हो, ओके। जुलाई के बाद से फिर से एक अच्छी लंबी खासी हमें ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। तो बेसिकली कह सकते हैं जो टोटल एड्रेस है इसके अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, और हम कह सकते हैं आने वाले टाइम में एक गेन कर सकता है शिबा इनू एक अच्छा खासा। तो मे बी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शिबा इनू में, ओके। जितना भी यार तुम्हारे पोर्टफोलियो का साइज़ है, कुछ परसेंट शिबा इनू में डिप्लॉय कर दो, ओके, तो मे बी यार अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना लोगे, ओके। तो शिबा इनू की एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है, और आने वाले टाइम पे हमें इसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट पे, ओके। तो जो दूसरी न्यूज़ निकल के आती है वो द डेली होडल नाम से निकल के आती है। बेसिकली ये न्यूज़ एंड इनसाइट फॉर डिजिटल इकोनॉमी करके है, ओके। तो बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसीज़ की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है और जो न्यूज़ मार्केट को इम्पैक्ट करती है वो यहाँ पे पब्लिश होती है। तो पढ़ लेते हैं। तो गूगल एड्स इथेरियम ETH मर्ज काउंटडाउन
फ्यूचर एज द वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट स्काई रॉकेट्स। सो बेसिकली यार आप जानते हो जो इथेरियम की मर्जिंग आने वाली है, यानी कि कल परसों के अंदर इसकी मर्जिंग हो जाएगी। बेसिकली जो फुली फाइनल मर्जिंग होने वाली है वो परसों तक हो जाएगी। ओके तो इसमें गूगल का क्या फंडा आ गया है? तो गूगल ने इसमें फीचर करा है कि वर्ल्ड वाइड ये सबको काउंटडाउन दिखाया जाएगा। ओके तो अगर आप बेसिकली गूगल पे लिखोगे, ठीक है, इथेरियम मर्ज, तो उसके नीचे यार आपको सब कुछ लिखा आ जाएगा कि कितना टाइम है, कितना टाइम बचा है। बेसिकली ये देखो ऐसा एक एग्जांपल दिखाया गया है। ओके तो यार अभी इसमें हम कह सकते हैं इथेरियम जो यार ये बहुत बड़ा एक इवेंट है, छोटा मोटा इवेंट नहीं है ये। इथेरियम के पक्का मार्केट में हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो गूगल सर्च इंजन है हमारा, उसने काउंटडाउन करा है फीचर्स को, फीचर जो काउंटडाउन करा है इथेरियम का, एक फीचर इसमें आया है जिसमें से आप इसके जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म थे वो बेसिकली अब राइज करेंगे। ओके तो इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जो ये गूगल के क्लाउड ब्लॉकचेन डेवलपर थे सैम पडिला, इन्होंने यही फीचर कुछ दिन पहले लाए गए। ओके तो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी बताया है कि ये मर्जिंग के रिलेटेड आपको कुछ सरप्राइज करेंगे। बेसिकली जो भी इथेरियम रिलेटेड नॉलेज जानते थे और बेसिकली लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह कवर आप करते होंगे तो वो तो समझ गए होंगे कि गूगल किसके बारे में बात करने वाला है। ओके ठीक है, तो ट्विटर पे जब भी ये कुछ आया था ना इनसे पहले सैम पडिला ने जो टेल कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने लेटेस्ट न्यूज़ देखी होगी इथेरियम की इवेंट की तो उसमें बेसिकली समझ गए होंगे लोग कि ये बेसिकली जो सैम पडिला है ये इसी की बात कर रही है, इथेरियम मर्जिंग की। ठीक है तो दोस्तों हमारे यार एक चीज़ बताता हूँ, हमारे चैनल का ये फ़ायदा है कि हम आपको डीपली नॉलेज प्रोवाइड करते हो। ओके तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। ओके तो यार थोड़ा ग्रोथ दिखाओ चैनल में, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिख रही है हमें। ओके तो यही फीचर आया है, ठीक है, इथेरियम मर्जिंग के अभी कुछ दिन ही कम बचे हैं। ठीक है तो ये इंटरेस्ट ओवर टाइम है कि कितना लोग इसको देख रहे हैं और कितना नहीं देख रहे हैं, तो हमें बेसिकली इसमें भी अच्छी खासी एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओके तो इन्होंने बस इतना ही बताया और थ्री पॉइंट जब इन्होंने क्या कहते हैं ये अपने हैंडल पे डाला, यानी कि आपको जब ये गूगल पे शो हुआ तो इथेरियम के अंदर एक प्राइस की फ्लक्चुएशन भी देखने को मिली थी, अराउंड 3.6 का गेन हमें इसमें देखने को मिला था। ठीक है तो न्यूज़ में यही बताया गया है। ओके तो अब हम चलते अपने कॉइन मार्केट कैप के डेटा पे, पता लगाते हैं आज का FNA करते हैं, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, दिन जान लेते हैं आज क्या चल रहा है मार्केट में। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं द ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ 1.07 ट्रिलियन। तो यार एक अच्छी बात ये है कि हमारे जो मार्केट कैप है 1 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर है, तो मे बी इतना हमें मतलब बेरिसनेस देखने को अभी नहीं मिल सकती, और अराउंड जो इसका प्राइस चल रहा है 0.23% के करीब इसका प्राइस चल रहा है। ओके देन यार बिटकॉइन की बात करी जाए तो बिटकॉइन का जो भी प्राइस चल रहा है 0.95% अप है, देन अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। देन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो भी अच्छा खासा है। देन यार अगर इसका प्राइस देखें ना तो इसका समथिंग प्राइस चल रहा है 22,400.01.20 के करीब, $1,000 के करीब। ठीक है तो मे बी यार अच्छी खासी ग्रोथ ही देखने को मिलेगी इसमें आने वाले टाइम पे। देन यार इथेरियम का देख लेते हैं। इथेरियम का तो यार कल परसों में हमें बेसिकली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में न्यू इम्पैक्ट जब सक्सेसफुली हो जाएगा हमारा प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ये एंटर कर जाएगा तो मे बी यार ग्रोथ तो बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी इथेरियम के अंदर। तो 1.60% ये अभी डाउन है और 1721.91 सेंट्स डॉलर्स के करीब इसका प्राइस चल रहा है। ओके देन XRP की बात करी जाए तो 0.48% डाउन है। देन इसका ग्राफ नहीं देखेंगे हम, इसमें वॉल्यूम और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ये भी सही है। देन प्राइस देखें तो 0.3542 के करीब इसका प्राइस चल रहा है। ओके देन कार्डानो की बात करी जाए तो 2.49% नीचे डाउन है, ये ग्रोथनेस नहीं देखने को मिल रखी है, छोटी मोटी बेयरनेस देखने को मिल सकती है। देन वॉल्यूम और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो यार ये भी कम है। देन प्राइस रेंज का देखें तो 0.5016 के करीब इसका प्राइस चल रहा है। ओके देन मीम्स कॉइन पे आ जाते हैं। मीम्स पे 1.23% का इसमें हमें क्या कहते हैं डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ओके एंड 0.06358 का हम इसमें ग्रोथ बेसिकली देखने को मिल रही है। देन यार मैटिक भी अच्छा खासा अप है। ओके लेकिन जो लास्ट हमारा कॉइन है वो है शिबा, तो शिबा में 2.41% के हमें डिक्रीजमेंट देखने को मिली है बेसिकली। ओके लेकिन जो यार ये न्यूज़ मैंने बताई है ना कि शिबा के होल्डर्स और बढ़ रहे हैं तो मे बी आने वाले टाइम पे ये एक अच्छी खासी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। देन शिबा का प्राइस देखें तो 0.00127 के 5 के करीब इसका प्राइस चल रहा है। देन वॉल्यूम एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो यार ये भी ठीक है, तो हमें आने वाले टाइम पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है बेसिकली शिबा इनू के
अंदर। ओके तो चलते अपने ट्रेडिंग व्यू पे, देन करते हैं इस वीडियो का टीए, उसके बाद करेंगे इस वीडियो को एंड। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में हम चलते हैं सबसे पहले अपने ग्लोबल इंडिसेस पे। तो ग्लोबल इंडिसेस पे देख लेते हैं मार्केट का हाल क्या चल रहा है। सो बेसिकली यार अगर आप S&P 500 का देखो तो S&P 500 में बेसिकली यार हमें एक स्पिनिंग टॉप देखने को मिल रहा है। ओके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में स्पिनिंग टॉप देखने को मिला है। तो मे बी यार मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल ले ले, और या फिर ये मे बी छोटा करेक्शन भी हो सकता है क्योंकि इंडेसिस में इतने मतलब हमें देखने को मिला है। ओके लेकिन यार मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो है ना आप देख रहे हो इसको, ये एक दो चीज़ें बना रहा है, दो कैंडलस्टिक चार्ट फॉर्मेशन बना रहा है ये। बेसिकली एक तो हो गया हमारा इवनिंग स्टार और एक हो गया अपना स्पिनिंग टॉप। ओके तो यार मे बी यहाँ से अभी मार्केट के अंदर S&P 500 के इंडेसिस में, यानी कि ऑल ओवर जितनी 500 कंपनी है डोमेस्टिक अमेरिकन की, उसके अंदर हमें डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। ठीक है तो ये बहुत ज़्यादा मेजर हैवी इंडेसिस होता है जो मार्केट को इफेक्ट करता है एज अ ग्लोबली। ओके देन यार निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक, सबसे पहले निफ्टी 50 को देख लेते हैं NSE को। तो बेसिकली गाइस यार ये अपने सप्लाई एरिया के अंदर है, जब तक ये इसका सप्लाई एरिया ब्रेक नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते ये स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है। लेकिन बट हम यार एक चीज़ देख रहे हैं, मार्केट है अभी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस, बट अब हमें जो लगता है ना कि ये 18,200 को जब निफ्टी तोड़ेगा तो फिर तो यार एक अच्छा खासा बुलिशनेस ही देखने को हमें मिलेगी मे बी मार्केट में। ओके तो यार अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी जब ये इसका सप्लाई एरिया ब्रेक हो जाएगा निफ्टी का। ओके देन यार बैंक निफ्टी को देख ले, देन यार हम बात करते हैं अभी बैंक निफ्टी की। ओके तो बेसिकली बैंक निफ्टी जो है अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो अपने सप्लाई एरिया पे ही है। ओके देन यार अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें ना तो हमें ये एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये अभी अपने सप्लाई एरिया के अंदर ही है बेसिकली। ओके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो गाइज अभी हम क्या कर सकते हैं सप्लाई एरिया में, तो बेसिकली यार सप्लाई एरिया में भी वेट करो। वैसे तो हमें जो मार्केट का ओवर व्यू देखना है ठीक है बैंक निफ्टी का, तो वो तो हमें सिर्फ एक पॉजिटिवनेस ही देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर, यानी कि एक ऑल ओवर ग्रोथ ही देखने को मिल रही है इंडियन इंडेसिस पे। तो इंडियन में हमारे जो एक निफ्टी 50 हो गए और बैंक निफ्टी हो गए, ये तो हमें अपवर्ड ही देखने को मिल रहे हैं। ओके तो यार लेकिन जो US का इंडेसिस है वो हमें बता रहा है कि आने वाले टाइम फ्रेम पे हमें मे बी एक डाउन ट्रेंड चैनल देखने को मिल जाए या फिर थोड़ा बियरिशनेस मूव देखने को मिल जाए अराउंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। देन यार जो लास्ट है हमारा वो डाउ जोन्स है। तो यार अगर डाउ जोन्स के अंदर हमें एक कंसोलिडेशन फेज दिखता है तो मे बी हम कह सकते हैं यार आने वाले टाइम फ्रेम पे मार्केट में भी यार एक जगह साइडवेज हो जाए। बट इसके अंदर अगर हम गौर करेंगे ना तो सबसे पहले आप ये देखो, इसने एक अपना ट्रेंड लाइन तोड़ा है, यानी कि एक चैनल तोड़ा है जो ये डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, उसके बाद ये अब एक बुलिशनेस इसने पकड़ लिया है। तो मे बी ये थोड़ा बहुत करेक्टिव वेव होगा ठीक है, यानी कि करेक्टिव होगा ये। तो करेक्टिव के बाद इम्पल्सिव जो करेक्टिव वेव है इसके बाद ये वेव को जब ये कंसोलिडेशन में फिर से ब्रेकआउट देखने को आपको मिलेगा तो डाउन जोन्स भी ऊपर जाएगा, तो ऑल ओवर मार्केट हमारी बुलिशनेस हो जाएगी ठीक है। तो मैंने इंडियन और अमेरिकन इंडिसेस के बारे में आपको पूरा बता दिया है। ओके तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम की BTC की। तो BTC में आपको मैं ट्रेड सिग्नल एग्जीक्यूशन आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। ओके तो दोस्तों अभी तो इसके अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है और हमने जितने भी अपने टोटल इंडिसेस देखे हैं तो उन किसी के अंदर में बुलिशनेस देखने को मिल रही है, लेकिन जो हैवी इंडिसेस है उसमें हमें बेरिशनेस देखने को मिल रही है। तो बेसिकली गाइज अब क्या होना चाहिए, तो यार इसके अंदर अभी जो चल रहा है कंसोलिडेशन देख एक्यूमुलेशन के बाद, तब इसके अंदर रीटेस्ट आएगा तो रीटेस्ट के बाद हम एंट्री कर सकते हैं अच्छी खासी। रिस्क टू रिवार्ड हम अपने बड़े बना सकते हैं क्योंकि जो हमारा इम्पल्सिव है ऑल ओवर जो हमारा प्राइस रेंज है वो ट्रेंड रिवर्सल होके एक अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो अगर इसमें वापस हमें इम्पल्सिव मूव दिखता है तो हम एक अच्छा खासा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। बट इसके अंदर यार करेक्टिव वेव तो हमें देखने को मिला ही नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हो इम्पल्सिव आया देन उसी साइड में कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मे बी यार ये करेक्टिव तो हम इसको बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर करेक्टिव आता भी है तो छोटा टारगेट बनाएंगे ठीक है 1:1 और 1:2 तक का मैक्सिमम। ओके और लेकिन अगर इम्पल्सिव आता है तो 1:4 से 1:5 तक का भी आप इजिली टारगेट बना सकते हो BTC के अंदर। ओके तो यार ये BTC की बात कर ली है मैंने, सक्सेसफुली रीटेस्ट के साथ एंट्री करना ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के साथ। ओके देन इथेरियम की बात करी जाए तो इथेरियम के अंदर हमें यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ओके तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा हम रीटेस्ट के बाद एंट्री नहीं करेंगे इसमें ठीक है। तो अभी इथेरियम के लिए हम क्या कह सकते हैं, देखो अभी इथेरियम एक कर तो कंसोलिडेशन रहा प्लस के इसके अंदर हमें एक न्यू रेंज फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। ओके
थोड़ा ध्यान से देखोगे तो बेसिकली गाइज अगर ये अपने ये न्यू रेंज फॉर्मेशन को तोड़ता है और एक्यूमुलेशन फेज में दिखती है मार्केट प्लस रीटेस्ट आता है तो आप सक्सेसफुली एंट्री कर सकते हो और 1:4 से 1:5 तक का टारगेट ईजिली बना सकते हो। ओके तो और अगर इसमें करेक्टिव वे दिखता है तो 1:1 से 1:2 तक का भी आप एक छोटा टारगेट बना सकते हो अगर मार्केट एक करेक्टिव वे में जाती है। ठीक है तो और ऑल ओवर देखें तो मार्केट हमेशा हमें अभी एक अप ट्रेंड में ही है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रही है थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो। ओके तो ये इथेरियम का बात हो गई है तो इथेरियम में दोनों साइड का बता दिया, करेक्टिव में छोटा और इम्पल्सिव में बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है देन यार XRP की बात करी जाए तो XRP के अंदर हमें एक हाई रेंज में कंसोलिडेशन एरिया देखने को मिल रहा है। बेसिकली पहले एक इनिशियल रेंज देखने को मिली देन न्यू रेंज, उसके बाद न्यू रेंज का ब्रेकआउट हुआ देन रेंज एक्सपेंडेशन। देन यार अगर ये रेंज एक्सपेंडेशन में कुछ अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है बेसिकली जिसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 0.3604 के करीब रहेगा और जो सपोर्ट रहेगा वो 0.3487 के करीब रहेगा। अगर हमें इन दोनों के बीच में कहीं ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो रीटेस्ट के बाद एंट्री कर सकते हैं और अगर इसके अंदर करेक्टिव वे दिखती है तो ट्रेंड रिवर्सल होगा। ठीक है ट्रेंड रिवर्सल छोटा होगा तो मिनिमम एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एक छोटा टारगेट बना सकते हैं हम, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 तक रख सकते हैं मैक्सिमम और अगर इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलता है इम्पल्सिव वाला तो 1:5 तक का हम टारगेट ईजिली बना सकते हैं। ठीक है तो ये XRP की बात हो गई है देन हम करते हैं यार मीम्स कॉइन की बात। तो जो हमारा शिबा इनू कॉइन है इसके अंदर भी यार हमें एक इनिशियल रेंज देखने को मिली है अभी देन न्यू रेंज फॉर्मेशन देखने को मिला है तो बेसिकली गाइज यार हमें अंदर अब हमें शिबा इनू के अंदर मे भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ओके तो अगर ये न्यू रेंज के एक्यूमुलेशन फेज में ब्रेकआउट देता है तो रिस्टोरी वार्ड अपने आप बड़े बना सकते हो, इसमें 1:8 तक में भी बना सकते हो। ओके शिबा इनू में यार शिबा इनू का एक ही फंडा है, ये ब्रेकआउट तो अच्छा देता है लेकिन उसके दिनों के फिर थोड़े दिनों के बाद एक बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन करता है ये 1 से 2 हफ्ते तक। ठीक है तो यार यही शिबा होने की बात गलत है और ये जब भी ब्रेकआउट देता है ना तो ऐसा ब्रेकआउट देता है यार कि 1:10 तक में भी टारगेट बुकिंग ईजिली हो सकती है। तो इसमें यही बताया गया है शिबा इनू में अभी न्यू रेंज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है शिबा इनू में अभी न्यू रेंज फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके बाद एक्यूमुलेशन के बाद रीटेस्ट पे आप एंट्री कर सकते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड अपने बड़े बना सकते हो। ओके देन अगर इसके अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज में दिखती है मार्केट तो छोटा टारगेट बुक होगा शिबा इनू के अंदर। ओके देन डोज कॉइन की बात करी जाए तो डोज कॉइन में भी यार एक कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिल रहा है तो इसमें भी न्यू रेंज फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। ओके तो बेसिकली गाइस इसमें अभी क्या करना है, कंसोलिडेशन तो हो रहा है प्लस इनिशियल रेंज है इसके अंदर देन न्यू रेंज के बाद अगर डिस्ट्रीब्यूशन में 1:2 तक का भी आप टारगेट बना सकते हो बेसिकली डोज कॉइन के अंदर। ठीक है और अगर एक्यूमुलेशन फेज में दिखती है तो रीटेस्ट के बाद एंट्री करना है और 1:5 तक का मेबी टारगेट बना सकते हो। ये थोड़ा यार डोज कॉइन से अच्छा है क्योंकि ये बीच बीच में अच्छे खासे ब्रेकआउट दे देता है। शिबा क्या करता है ब्रेकआउट देता है फिर उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन पकड़ लेता है जो कि यार ये बुरी बात लगती है यार। ठीक है तो क्या करी जाए यार, कुछ टेक्निकल होते ही ऐसे जो वर्क ही ऐसे करते हैं मार्केट के अंदर, बेसिकली जो मीम्स है तो वो तो यार करेंगे ऐसे। ठीक है तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यार टेलीग्राम चैनल चेकआउट करो। ये जितने भी चार्ट्स मैं आपको लाइव बता रहा हूँ ना ये मैं आपको क्या कहते हैं पहले ही शेयर कर देता हूँ तो पहले ही आप थोड़ा सा अलर्ट पे रहोगे कि मार्केट अब क्या वेव में चलने वाली। ओके तो यार वीडियो में इतना ही, तो वीडियो में लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो फिर गुड बाय।